Hello friends, welcome to Baradin Overseas. बेसिकली जो बच्चे ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो या तो एम प्रोग्राम को देखते हैं या इंजीनियरिंग प्रोग्राम या आई प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं बट उसके अलावा डिज़ाइन प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोग्राम अपने आप में एक बहुत ही वास्ट प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अगर हम पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 2026 ईयर तक 21.7 परसेंट इंक्रीज़ होने वाला है जॉब अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली फॉर डिज़ाइन फील्ड एस्टिमेशन अराउंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी टिल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सो जो भी स्टूडेंट्स अभी एनरोल करेंगे बैचलर्स मास्टर्स के लिए बाय द टाइम दे हैव कम्प्लीटेड एडुकेशन, दे विल गेट रेडिली जॉब्स अवेलेबल इन दी कंट्री सबसे फर्स्ट हम बात कर सकते हैं यू एक्स यू आई डिज़ाइनर की जो भी स्टूडेंट्स आर्ट बैकग्राउंड से हैं या साइंस टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से है वो बच्चे यू एक्स यू आई डिजाइनिंग प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं हर एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स मास्टर्स हर प्रोफाइल के लिए अब यूएस यू डिज़ाइनर के प्रोग्राम्स देती है और इसके अगर हम एनुअल इनकम की बात करें तो मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड से स्टार्ट होकर हंड्रेड एंड फिफ्टीन थाउजेंड ए तक इसकी सैलरी रेंज जाती है नेक्स्ट आता है ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोग्राम है और सबसे अच्छी बात यह कि अगर बच्चे का कॉन्ग्रीट बैकग्राउंड नहीं भी है और उसका प्रोफाइल अच्छा है तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर की जो एवरेज सैलरी है वो स्टार्ट होती है फोर्टी थ्री थाउजेंड से और ये जाती है अप टू सेवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड एयूडी पर ईयर के लिए नेक्स्ट वेब डिजाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही होता है और इसकी जो मिनिमम सैलरी होती है स्टार्ट वो होती है फोर्टी फाइव थाउजेंड ए यू डी से और ये जाती है एटी एटी फाइव थाउजेंड ए यू डी तक नाउ दिस इज़ अ एरा ऑफ एनिमेशन और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से एनिमेशन पढ़ा है बैचलर्स या मास्टर्स तो आपके हॉराइजन और वास्ट हो जाते हैं यू विल बी गेटिंग एवरेज सैलरी ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टी फाइव थाउजेंड ए यू डी एंड इट गोज़ नाइनटी नाइनटी फाइव थाउजेंड ए पर एन फैशन डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग के एवरेज सैलरी स्टार्ट होती है फोर्टी वन थाउजेंड ए यू डी से एंड इट गोज़ अप टू फोर्टी फाइव फोटी सेवन थाउजेंड ए इसके अलावा फ़र्नीचर डिज़ाइनिंग फर्नीचर डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग काफ़ी प्रोमिनेंट प्रोग्राम है और ये इजीली इंडिया में अवेलेबल नहीं होते हैं अगर आप इन प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ करते हैं सो इन प्रोग्राम की एवरेज सैलरी स्टार्ट होती है फिफ्टी थाउजेंड ए से एंड इट ऑल्सो गोज टू सेवेंटी सेवेंटी फाइव पर ईयर लास्ट ऑप्शन आता है आर्किटेक्ट architect. आर्किटेक्चर का ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा स्कोप है आर्किटेक्चर के कुछ प्रोग्राम एस ओ लिस्ट में भी अनलिस्टेड है सो so, अगर स्टूडेंट आर्किटेक्ट वहाँ से पढ़ते हैं और आर्किटेक्ट एसोसिएशन से अगर बच्चे को सर्टिफिकेशन मिलता है देन देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया सैलरी की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी स्टार्ट होती है फिफ्टी फाइव से एंड इट गोज अप टू सेवेंटी फाइव एटी पर ईयर वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हर एक यूनिवर्सिटी डिज़ाइन प्रोग्राम ऑफर करती है बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पर बट अगर हम टॉप फाइव यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो टॉप फ़ाइव में आती है आर एम आई मोनेश यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी न्यू साउथ वेल एंड इदित कोवन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ओपन है जुलाई एंड टेक के लिए तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं फॉर जुलाई एंड टेक दे कैन अप्लाई एंड दे कैन गेट कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी To get more updates on Study Australia, like the video, subscribe the channel and don't forget to press bell icon. Thank you.